शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पेट्रोल पंप लूटमार में एक कर्मचारी की हत्या की गई है तो दूसरा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। 1,00,000 रुपए लूटे गए हैं। सोए हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी पर धारदार हथियार से यह हमला किया गया। MIDC पुलिस क्षेत्र में आने वाले आउटर रिंग रोड, अमरावती बाईपास व हिंगना के एक विद्या पेट्रोल पंप पर लूटमार के एक कर्मचारी की हत्या व एक गंभीर घायल होने से सनसनी फैली। गुड़गांव को सुबह करीब 5 बजे के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप पर 2 कर्मचारी पंप के केबिन में सो गए थे। पेट्रोल पंप के मालक संजय उगले बताए गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वानाडोंगरी निवासी पंडरी भंडारकर उम्र 62 की घटना स्थल पर ही मृत्यु हुई। वहीं एकात्मनगर जैताला निवासी लीलाधर गोहते उम्र 52 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें उपचार के लिए न्यूरॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी पुलिस ने दी। दिन की ड्यूटी पर तैनात विनोद देशमुख व गणेश बुल्डे ने रात की ड्यूटी पर तैनात मृतक व घायल को 68,000 रुपए देकर ड्यूटी से उतरे थे। बताया गया कि 2 दिन पूर्व पंप पर किसी के साथ विवाद हुआ था। इस कड़ी पकड़कर पुलिस ने 3 संशयित आरोपी को हिरासत में लिया है। पंप 24 घंटों की शिफ्ट में चलता है। हालांकि रिंग रोड का काम चलने से उतना चलता नहीं। पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन हमलावरों ने सीसीटीवी की DVR लेकर भाग गए हैं। घटना की जानकारी हिंगना MIDC पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पंचनामा किया। पंप की कैबिन में खून से लथपथ भरी थी। अलमारी का ताला तोड़कर 1,00,000 रुपए चोरों ने ले गए। इस घटना को लेकर पुलिस सुबह से जानकारी हासिल करने के काम से लगी थी। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। क्राइम की टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। आगे की कार्रवाई PI हेमंत खराबे कर रहे हैं। एक रिंग रोड पे घटना हुई है। रिंग रोड एकदम बॉर्डर पे MIDC की हत्या में एक पेट्रोल पंप है, उगले इनका विद्या सर्वो पेट्रोल पंप, उसमें जो 2 कर्मचारी थे उनके, वो सोए हुए थे। 2 लोग कुछ चोरी के इरादे से आए, 2-4 लोग, जो भी अभी पक्का आंकड़ा फिगर मालूम नहीं है, वो अंदर गए और सीधा उन्होंने तीक्ष्ण हथियार से उनके सर के ऊपर वार किए। उसमें से भंडारकर नाम का व्यक्ति जगह पे ही गुजर गया, दूसरा जीवित था। उसको पुलिस ने तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, अभी उसका इलाज शुरू है। उन्होंने उसके बाद लगभग 1,00,000 रुपए वहाँ से कपबोर्ड में से चुरा के लेके गए हैं। तपास जारी है, हमने कुछ संशयित लोगों को ताबे में लिए हैं, अभी पूछताछ जारी है। आम्ही सकाळी आलो तेव्हा आम्हाला मत झालं असं असं झालं। मी सकाळी 9 वाजता आलो, आमच्या आधी सर येऊन गेले होते, पोलीस घेत होते। एक व्यक्ती पंडरी भंडारकर त्याचा जागीच मृत झाला होता, आणि दुसरा व्यक्ती लीलाधर गोहते त्याला ॲडमिट केलेला, पैसे 1,00,000 रुपये होते। NBC न्यूज के लिए हिंगना MIDC से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।